Every day, whether you are asking your girlfriend to come with you to the canteen for a cup of tea, is sales. Yeah. When you ask your professors to give you extension for completing the assignment, that is sales. When you tell your father why he should buy you a 12,000 rupee pair shoe when there are cheaper versions available, that is sales. तब इसका फैशन था कि sell me this pen और suddenly हमको समझ नहीं आता था कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब देना है. तुम लोग तो YouTube करके जवाब ढूंढ सकते हो, हमारे पास तो YouTube इसका जवाब कहाँ से ढूंढा जाए. ये ना कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये ऐसा नहीं है कि आज तुमको एक गोली खिलाई और कल तुम्हारे मुंह से एक बढ़िया सेल्स पिच निकल गई, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, ये कोई मतलब मंत्र नहीं है कि तुमको फूका और तुम समझ गए. तो सेल्स की एक जर्नी लंबी है. सो हे गाइस, माय नेम इज तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल. तो इस पॉडकास्ट में मैंने यहाँ पर इनवाइट किया है निधि वधेरा को. सो बेसिकली निधि इज द लाइक इंडियाज फर्स्ट वुमन ऑथर ऑन सेल्स, ट्रेंड 11,000 प्लस पीपल एंड हैव years of experience on sales. ठीक है, तो इस पॉडकास्ट को सुनने में यार आपको बहुत मज़ा आने वाला है. सेल्स हर किसी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपकी उम्र यहाँ पर अभी बहुत कम है और अभी से ही अगर आप सेल्स के बारे में यहाँ पर सीखोगे तो आगे जाके बहुत हेल्प होगी. आपका जॉब करनी हो चाहे बिजनेस करनी हो, सब में यहाँ पर सेल्स की एक अहमियत होती है. दैट्स वाई मैं यहाँ पर ये पॉडकास्ट लेकर आया हूँ ताकि आप सब लोग सेल्स के बारे में जान सको, सेल्स की इंपॉर्टेंस को समझ सको. ठीक है, तो बिगर देरी करें, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. Hey Nidhi, thank you so much for joining me in this video. I hope you are doing well. Thank you Tushar, thank you for having me over for the podcast and I'm really excited to have a conversation with you. Yeah, so basically for the college students, basically उनके लिए sales जानना बहुत important चीज़ है and काफ़ी लोग ऐसा नहीं है कि सेल्स सिर्फ पर्टिकुलर जो सेल्स की डिग्री कर रहे हैं उनसे उनको ही वो चीज़ हेल्प करती है. सेल्स सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, मेरा ऐसा मानना है. सो दैट्स वाई लाइक वी आर शूटिंग दिस पॉडकास्ट सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस पता चले सेल्स की. तो स्टार्ट करते हैं आपकी प्रोफेशनल जर्नी से. तो तुषार, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ आई एम इन सिंक विद यू कि सेल्स कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तो नहीं है. इट इज़ डेफिनेटली अ वे ऑफ लाइफ बिकॉज एवरी डे वेदर यू आर आस्किंग योर गर्लफ्रेंड टू कम विद यू टू द कैंटीन फॉर अ कप ऑफ टी इज सेल्स. व्हेन यू आस्क योर प्रोफेसर्स टू गिव यू एक्सटेंशन फॉर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट, दैट इज सेल्स. When you tell your father why he should buy you a 12,000 rupee pair shoe when there are cheaper versions available, that is sales. So day in day out we are in the sales function. और अच्छी बात है कि तुम इस चीज़ को समझ रहे हो कि ये कोई particular department नहीं है. Yeah. So coming back to the point of how my journey in sales started. और interesting बात ये है तुषार कि आज तक मैंने अभी तक जिस era में मैं हूँ और जहाँ से मैं आ रही हूँ, मैंने बहुत से लोग देखे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनर, डिजिटल मार्केटर. कोई एक इंसान नहीं मिला जो बोलता है मैं बड़े होकर सेल्स पर्सन बनूंगा, सेल्स वुमन. तो फॉर मोस्ट ऑफ अस इट्स अ बाय डिफॉल्ट करियर, राइट? एंड फॉर मी ऑल्सो इट वॉज अ बाय डिफॉल्ट करियर. सो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज राइट आउट ऑफ माई कॉलेज एट दैट टाइम, जस्ट एज कॉलेज प्लेसमेंट यार, आई गॉट प्लेस्ड विद वन ऑफ द लीडिंग MNCs. मैं सिटी की बात कर रही हूँ. या व्हाट टाइप ऑफ डिग्री यू हैव डूइंग? मैं तो BSc Honours हूँ. सो कमिंग फ्रॉम अ BSc Honours बैकग्राउंड एंड देन गेटिंग प्लेस्ड विद सेल्स फंक्शन, तो एक तरफ तो हाई था कि यार सेल्स में चले गए सीधा बाय डिफॉल्ट, बट देन ऑफ कोर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ स्केयर इन टर्म्स ऑफ कि मैं वहाँ जाके जस्टिफाई कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. तो जब हम लोग कॉलेज में रहते हैं ना तो अपना कैसा दिमाग होता है तुषार कि बहुत सारे ब्यूटीफुल सपने आते हैं. जैसे एक बार प्लेसमेंट हो गया, जिंदगी बदलने वाली है. सो जस्ट लाइक यू नो आई वाज प्रोबेबली एट द एज वेयर यू ऑल आर वाचिंग मी. तो मैं सोचती थी कि यार बढ़िया नौकरी लग गई, अब 6 महीने में कार लोन, 1 साल बाद होम लोन, लाइफ सेट है, यू नो दैट इज हाउ माय करियर विल प्रोग्रेस. और उसके बाद जब हमारा इंडक्शन हुआ, ऑब्वियसली व्हेन यू गेट प्लेस्ड इन MNC तो इंडक्शन भी फैंसी, 5 स्टार होटल, बढ़िया खाना, अच्छे अच्छे लोग, सुंदर दिख रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहने, क्या चाहिए जिंदगी में. सो थिंग्स वर सॉर्टेड. बट एक्चुअली व्हेन यू लैंड ऑन द शॉप फ्लोर, वहाँ जर्नी डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पहले दिन से कूदते ही तुम्हारे ऊपर टारगेट्स हैं. और प्रॉब्लम सेल्स फंक्शन की सबसे ज़्यादा ये है कि क्योंकि सब अपने टारगेट्स पूरे करने में लगे हुए हैं तो किसी के पास टाइम नहीं है तुमको पकड़ के सिखाने का कि अच्छा अब ये कर लो या ये स्ट्रैटेजी कर लो या मार्केट की ये सिचुएशन है. नोबडी हैज़ द टाइम. सो कमिंग बैक टू माय बैकग्राउंड, आफ्टर ग्रेजुएशन आई गॉट प्लेस्ड विद दिस कंपनी. इनिशियली डिड आई स्ट्रगल? वेल, आई स्ट्रगल्ड लाइक हेल फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स. मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है. ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ टिपिकल मिडिल क्लास नॉर्थ इंडियन बैकग्राउंड, काफ़ी चैलेंजेस थे इन टर्म्स ऑफ यू नो एक गेम अप करने का जो था ना उसमें काफी चैलेंज आया। तो सीख तो हम लोग जाते ही हैं, मतलब छोटे शहर वालों की खासियत ये है कि हम लोग सीख बढ़िया जाते हैं, लेकिन सीखे किससे ये समझ नहीं आता। So I was also at the same point. So interestingly, I have been on both sides of the journey. When I started with City, did I fail? Well, I failed so many times I can't even tell you. But over the years, was I able to develop a grip on sales? Definitely yes. Was I able to win contests? You know, जितने हमारे City में contest announce होते थे, the target contest. Yes, I was winning all the contests back to back. Did I travel across the world for business? Definitely, I traveled across the world for business, and I made huge incentives. तो उस पॉइंट पे आने के बाद मुझे लगा कि अब मे बी इट्स टाइम फॉर मी टू ब्रांच आउट इनटू समथिंग ऑफ माय ओन, स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन, एंड दैट्स वेयर इन 2010 आई ब्रांच्ड आउट इनटू कंसल्टिंग कोचिंग कंप्लीटली। लास्ट ईयर व्हेन आई रोट माय बुक रोमांसिंग टारगेट्स, विद दैट आई बिकेम द फर्स्ट ऑथर इन द कंट्री। सो दैट इज व्हाट माय जर्नी इज अबाउट, एंड ऑफ लेट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव ब्रांच्ड आउट इनटू ई लर्निंग। सो दिस इज माय जर्नी, कांस्टेंटली इवॉल्विंग। सो कंसल्टिंग जॉब थी बेसिकली आपका खुद का, लाइक जब कंसल्टिंग शुरू किया ना तुषार, तो सिटी में काफ़ी कुछ सीखने मिला इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और ये उस समय की बात है जब हमारे पास जैसे आज एक्सेस है ना, कि आपने किसी प्रोग्राम में एनरोल कर लिया, आपने सीख लिया। मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ व्हेन गूगल वाज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड इन द कंट्री। देयर वाज नो यूट्यूब, देयर वाज नो पॉडकास्ट, एंड द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज वर ओनली सो मैनी। हमारे साथ एडवांटेज ये था कि सिटी बीइंग अ कैश रिच कंपनी, इट बीइंग अ ग्लोबल कंपनी, वी यूज्ड टू गेट यू नो ट्रेनर्स, वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेनर्स आके हम लोगों को सिखाते थे। तो एक पॉइंट पे मुझे लगा कि अब मैं रेडी हूँ, मुझे समझ आ गया कि सेल्स फंक्शन को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन आई शुड ब्रांच आउट इनटू कंसल्टिंग। कंसल्टिंग मींस आई गॉट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप कंप्लीटली। ओके, सो यू आर लाइक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट। इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट, ठीक है। सो अब आते हैं हम थोड़े कुछ क्वेश्चंस पे रिलेटेड टू सेल्स। सो हाउ लर्निंग सेल्स कैन हेल्प कॉलेज स्टूडेंट्स इन देयर करियर। देखो, सेल्स का क्या मतलब है कि अपने पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को एंड यूज़र तक लेके जाना है, ठीक है। पूरी जर्नी सेल्स की यही है। अभी राइट नाउ तुम क्या कॉलेज में, तुम लोग क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मतलब इज देयर अ स्पेसिफिक कॉलेज? और या बेसिकली मैं तो अभी बीसीए कर रहा हूँ, मैं क्लासेस नहीं लेता हूँ बिकॉज मैं जॉब वगैरह और ये यूट्यूब एंड इन सब में आ गया हूँ। बट हाँ, कॉलेज तो मेरा भी चल रहा है, थर्ड ईयर में हूँ। बेसिकली कोडिंग वगैरह हम पढ़ते हैं, जावा, C++ लैंग्वेजेस, ठीक है। तो अगर हम कॉलेज वाले स्पेस में हैं तो यहाँ से अपनी दो लाइन खुलती हैं, या तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेंगे और या फिर अपना खुद का कुछ सेटअप करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो तो तुमने बीसीए में जो पढ़ाई करी वो तो सारे बच्चों ने सेम करी। प्लेसमेंट किस हिसाब से होगा डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर एबल टू सेल योरसेल्फ टू द एम्प्लॉयर, राइट। सो सेल्स फंक्शन आई थिंक इज क्रिटिकल फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, क्योंकि नॉलेज इज वन थिंग बट द प्रेजेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज एंड गिविंग द कॉन्फिडेंस टू द एम्प्लॉयर कि उनका जो रिटर्न, जो इन्वेस्टमेंट तुम पर हो रहा है वो वेस्ट नहीं जाएगा, गिविंग दैट कॉन्फिडेंस इज द गेम चेंजर। सो क्रिटिकल स्किल फॉर कॉलेज स्टूडेंट। ऑल्सो अगर तुम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हो, सो एन एंटरप्रेन्योर हु डजंट रिलेट टू द सेल्स फंक्शन, वो तो मुझे समझ नहीं आता वो आगे जिंदगी में करेगा क्या, बिकॉज सेलिंग इज वेरी इज द ब्लड एंड फ्लैश ऑफ योर बिजनेस। पैसा ही नहीं आएगा तो सस्टेन कैसे करोगे, कितना भी पैशन हो यार। कुछ लोग इसका ये जवाब देते हैं कि हम किसी सेल्स पर्सन को हायर कर लेंगे। सो कॉलेज से निकलते ही आपका इतना थोड़ा फंडिंग पड़ी है कि आप किसी सेल्स पर्सन को हायर कर सकते हो। एट द एंड अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में घुस रहे हो तो आपको भी कुछ ना कुछ एक नॉलेज तो होनी चाहिए सेल्स की। हाँ, माना जा सकता है कि आप उसमें डीप डाइव नहीं कर रहे हो, बट कुछ नॉलेज तो यहाँ पर होनी ही चाहिए सबको ही यार। अगर आपने सेल्स पर्सन को हायर कर लिया, तुमको पता ही नहीं है सेल्स में क्या होता है, उससे करवाओगे क्या? या वही तो चीज है, कोई और कंसल्टेंट रखोगे जो तुम्हें बताए कि सेल्स वाले से क्या कराना है, राइट। सो इट्स लाइक यू सेड इनिशियली एवरी बिजनेस हैज अ फाइनेंशियल क्रंच, दैट डेफिनेटली इज द पार्ट। लेकिन अगर सेल्स के बेसिक सीखने हैं ना तो पीछे चले जाओ, मतलब अपने जो इंडिया के स्मॉल सिटीज हैं, बेसिक जो हमारे मान लो जो गल्ले पे लोग बैठे हैं, अगर हम उनको एज अ बेंचमार्क दें सेल्स करने के लिए, तो वो ये नहीं बोलते कि गल्ले पे मैं नहीं बैठूंगा, वो गल्ले पे खुद ही बैठता है, समझ आई, बाकी काम दूसरे लोगों को डेलीगेट करता है। सो इफ यू आर द एंटरप्रेन्योर यू हैव टू बी वेरी क्लोज टू द सेल्स फंक्शन। या गॉट इट। सो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम मार्केटिंग। काफी लोग यहाँ पर मार्केटिंग और सेल्स को मिक्स कर देते हैं। मेरे साथ ये पर्सनली ऐसी चीज होती है। सो बेसिकली आपकी जैसे कि मैं एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटेजिस्ट फुल टाइम काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ कि मैं मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, तो वो मेरे को सेल्स गाय समझते हैं बहुत जने। हाउ सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम मार्केटिंग। तो सेल्स और मार्केटिंग दो अलग अलग फंक्शन है। तुम ऐसे समझो कि जब शुरुआत हुई, सेल्स से शुरुआत हुई, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता गया एक नया फंक्शन डेवलप हुआ है जिसका नाम है मार्केटिंग। सेल्स का क्या जर्नी है, सेल्स का टिपिकल जो हम डेफिनेशन देते हैं दैट इज़ इनसाइड आउट, मतलब अपने पास एक तैयार प्रोडक्ट है, अपने को वो प्रोडक्ट मार्केट तक लेके जाना है, बिजनेस जनरेट करना है, ये हुआ सेल्स। मार्केटिंग का मतलब है कि अपनी ब्रांड, अपनी पोजीशनिंग इस तरह करनी है कि लोगों को एक एस्पिरेशन डेवलप हो, एक कनेक्शन डेवलप हो और लोग तुम्हारी तरफ खिंचे आएँ। दिस इज़ मार्केटिंग, राइट। तो मार्केटिंग का कहा जाता है कि उनका जो कोर पर्पज़ है दैट इज़ टू एलिमिनेट सेल्स, कि मार्केटिंग इस लेवल की हो कि सेल्स वालों की ज़रूरत ही ना पड़े, मतलब पाइपलाइन में, फनल में लोग डायरेक्टली खुद ही आ रहे हैं। बट जितना मैं देख रही हूँ सेल्स फंक्शन तो कहीं जाने वाला नहीं है। इवन इफ यू डू मार्केटिंग टू द टॉप ऑफ द लेवल, एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड समबडी हु कैन टेक ऑन योर कस्टमर ऑब्जेक्शंस, हु कैन गिव देम द कॉन्फिडेंस टू बाय फ्रॉम यू, राइट, हु कैन हैंडल द डिलीवरी फंक्शन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट सेल। तो अभी के टाइम में मार्केटिंग इज द न्यू सेल्स, इफ आई मे पुट इट दैट वे। कुछ लोग इसको ऐसा भी बोलते हैं कि सेल्स वाली जॉब्स जाने वाली हैं क्योंकि ऑटोमेशन आ चुका है, हर चीज हम ऑटोमेट कर देंगे, ठीक है। बट स्टिल आई फील कि हर चीज ऑटोमेट नहीं हो सकती, सेल्स पर्सन की जरूरत लाइक हमें बाद में भी पड़ेगी। सो आपको भी ऐसा कुछ लगता है? जो लोग कह रहे हैं कि सेल्स फंक्शन ऑटोमेशन की वजह से कम होगा, बात सही है। क्यों सही है तुषार? क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाएगी। अभी क्या है, हजारों की तादाद में सेल्स वाले घूम रहे हैं और प्रॉब्लम यह है कि हर कोई कहता है मैं थक गया, मैं सेल्स से परेशान हो गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम जो कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हो वो 10 में से 2 ही घंटे कर रहे हो, बाकी टाइम तुम्हारा पंचायती में, सोशल मीडिया में, चाय पी ली, सिगरेट पी ली, वट एवर यू डू इन दैट फ्री टाइम, राइट। सो नाउ विद एज द मार्केट इज इवॉल्विंग एंड एज आई एम प्रोजेक्टिंग द मार्केट बाय 2025, येस वॉल्यूम वाइज सेल्स पीपल विल गो डाउन क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू टेक ओवर। तो कुछ पार्ट वहां जाएगा। तो पहली बात तो जो लोगों ने टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर नहीं किया सेल्स वालों ने, वो तो वैसे के वैसे चले गए, ठीक है। दूसरा जो नाउ देयर विल बी अ हाई डिमांड। अब तुम ये सोचो अगर वॉल्यूम कम हुई तो यानी कि इफ यू हैव ओनली अ फ्यू सेल्स पीपल, दीज हैव टू बी पीपल हु हैव द ग्रिप ऑफ द ऑफ द इंडस्ट्री एंड द मार्केट। तो दो दीज पीपल विल बी लेसर इन नंबर बट देयर कॉम्पनसेशन विल बी मच हायर देन वी कैन एवर एक्सपेक्ट। तो अब सेल्स लीडर्स का टाइम है, सेल्स पर्सन जाने वाले हैं। गॉट इट। सो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सेल मी दिस पेन, इसका क्या जवाब सही देना चाहिए? सेल मी दिस पेन ना तुषार 2003-2002 के टाइम का क्वेश्चन है। अभी तो खैर बहुत ही पुराना सवाल हो गया है। 2002 तब इसका फैशन था कि सेल मी दिस पेन, और सडनली हमको समझ नहीं आता था कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब देना है। तुम लोग तो यूट्यूब करके जवाब ढूंढ सकते हो, हमारे पास तो यूट्यूब, इसका जवाब कहाँ से ढूंढा जाए। तो सेल मी दिस पेन उस टाइम का क्वेश्चन है व्हेन वी वर ट्राइंग टू ट्रांजिट द सेल्स पर्सन साइकोलॉजी फ्रॉम सेलिंग ऑन प्राइस टू सेलिंग ऑन वैल्यू। तो इस क्वेश्चन के कई आंसर्स हैं जैसे तुम निकालना चाहो, एज लॉन्ग एज यू कैन कीप इट अ वैल्यू सेंट्रिक आंसर। तो ये नहीं बोलना कि मैडम ये मेरा पेन है, ये बहुत सुंदर पेन है, बहुत अच्छा लिखता है, 50 रुपए का पेन है, और तुमने बोला मैं तो 50 रुपए का नहीं खरीदूंगा, अच्छा मैडम 10% डिस्काउंट दे देता हूँ, विच इज दैट इज वेयर यू गो कम्प्लीटली रॉन्ग। इफ यू कैन रिलेट सम काइंड ऑफ एस्पिरेशन एंड वैल्यू बेस्ड जर्नी अराउंड दैट पेन, जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूँ, तुम मुझे बोलो निधि सेल मी दिस पेन, और मैं तुमको बोलूँ तुषार दिस इज अ जर्मन इंजीनियर्ड पेन एंड द ब्यूटी इज दैट द टेक्नोलॉजी इज दैट द बॉल पॉइंट इज सो स्मूथ इट कैन रिटेन द इंक विदाउट ड्राइंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, विच मीन्स कल को जब तुम एक इंपॉर्टेंट डील साइन करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल योर कस्टमर्स विल बी इम्प्रेस्ड विद द पेन दैट यू आर होल्डिंग एंड सेकेंडली यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द इंक ड्राइंग आउट, वोंट दैट बी फैंटास्टिक। तो प्राइस से दिमाग बिल्कुल हटा के वैल्यू की तरफ। या सो बेसिकली क्या वैड एल्यू कर सकते हैं हम, उस पे ज्यादा फोकस्ड हम। करेक्ट, गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लाइक यू आर द लाइक नंबर 1 ऑथर सेल्स पर्सन लाइक इन इंडिया जिन्होंने मतलब सेल्स पे बुक लिखी। नंबर 1 नहीं, फर्स्ट वुमन ऑथर। या सॉरी, फर्स्ट वुमन ऑथर। सो बेसिकली उसकी क्या जर्नी रही और कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि मुझे अब बुक लिखनी चाहिए? तो आई थिंक हमारे सबके दिल में, तुषार करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में भी होगा कि यार एक किताब अपनी लिखूंगा, क्योंकि पीपल हु आर मोर ऑन द थिंकिंग साइड, पीपल हु आर मोर ऑन द एक्सप्लोरेशन साइड, कहीं ना कहीं अंदर एक डिज़ायर रहती है अपनी किताब लिखने की, एक लेगेसी क्रिएट करने की। सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट राइटिंग अ बुक सिंस लास्ट 10 ईयर्स, लेकिन मैं 10 साल सोचती रही, मैंने लिखा नहीं। तो किताब सोचने में और किताब लिखने में दो अलग जर्नी, बहुत अंतर है। सो थैंकफुली लास्ट ईयर आई गॉट द पुश एंड मुझे लगा करीब 1.5 साल लगा किताब लिखने में, तो एंड दैट्स हाउ द बुक केम आउट। या सो जैसे कि आपने इसका टाइटल लिखा है रोमांसिंग टारगेट्स, सो ये कहाँ से आया, मतलब इसके पीछे क्या रीजन है, मतलब लाइक ये कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिससे थोड़ी सी आई कैची टाइटल हो टाइप्स, ऐसा कुछ? देखो, एक तो सेल्स का पहला जगह, अगर मैं खुद सेल्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मेरा काम होता है कि मैं एक ऐसा टाइटल दूँ जिससे लोग सोचें कि अच्छा किताब पे देखा जाए एक बार। दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कीपिंग एन इंटरेस्टिंग टाइटल। एंड द सेकंड इज कि आई फील कि जब सेल्स की या टारगेट्स की बात होती है ना तो लोग एक ना एकदम सैड सा मुँह बनता है, फिर से टारगेट की बात कर दिया रहे फिर। सो आई वॉन्टेड टू गिव सम काइंड ऑफ एनर्जी टू माई रीडर्स, यू नो, इन सेल्स इन अ वे कि टारगेट्स को अगर समझ लोगे देन देयर इज अ वे यू कैन रोमांस योर टारगेट्स इन योर जर्नी। सो दैट्स हाउ दिस एंटायर सर्कल ऑफ बिल्डिंग दिस टाइटल came up. Yeah, great. I personally really like the title of your book. Yeah, so, because of your age, romance really fits. So I get that. How to make us best sales pitch? Like, let's कैसे बनाई जाए? देखो, sales का ये ना कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या ऐसा नहीं है कि आज तुमको एक गोली खिलाई और कल तुम्हारे मुंह से एक बढ़िया सेल्स पिच निकल गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये कोई मतलब मंत्र नहीं है कि तुमको फूका और तुम समझ गए। तो सेल्स की एक जर्नी लंबी है। जैसे तुमको सबसे पहले समझना है मेरा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के साथ साथ ये समझना है कि मैं क्या हूँ, और तीसरी चीज़ है कि मेरी मार्केट कौन है। ये तीन चीज़ें हैं जो एक तुम्हारे पिच के ट्रायंगल में अगर हम लें तो ये तीन कंपोनेंट तुम्हारे आएंगे। अब इन तीनों चीज़ों पर काम करना ज़रूरी है। तुम कितनी भी अच्छी पिच बना लो वो पिच फ्लॉप होगी होगी, ये पहली बार है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू आर रिपीटेडली सेलिंग इन द सेम मार्केट विद ऑलमोस्ट द सेम टारगेट मार्केट, सिमिलर प्रोडक्ट, दैट इज़ व्हेन ओवर द पिच यू विल आइडेंटिफाई कि हाँ अब ये चीज़ कुछ काम की बनी है। अब इसमें पिच को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो कंपटीशन एनालिसिस, क्योंकि अगर मान लो आज तुम ई लर्निंग बेच रहे हो, मैं भी ई लर्निंग बेच रही हूँ, तो तुम्हारी मेरी टारगेट मार्केट सेम है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज एन आई ऑन योर कॉम्पिटिशन, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे पिचिंग। तो हम जैसे बोलते हैं ना इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, तो आगे जाके जो जर्नी में कई कई कंपोनेंट्स आते हैं वो यहाँ फिट होते हैं। सो कीप एन आई ऑन वॉट योर, अगर मान लो तुमने कोई एड रन करी तो मेरी आँख हमेशा इस बात पे अलर्ट रहनी चाहिए कि इसने ऐड में क्या बोला एंड हाउ आई कैन अप माई गेम इन माई नेक्स्ट ऐड। सो दैट इज़ वन वे ऑफ रिफाइनिंग योर पिच। सेकेंडली, जितना तुम अपने कस्टमर्स के पेन पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सको ना, अगर आज मुझे पता है कि तुषार मुझसे क्या सुनना चाह रहा है, आई कैन टेल यू वॉट यू वॉन्ट टू हियर फ्रॉम मी, राइट? एंड दैट इज हाउ आई बिल्ड अ कनेक्शन विद यू। सो द मोर यू आइडेंटिफाई वॉट यू मार्केट रियली वॉन्ट्स। तो ये है कुछ एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पिच। इसके अलावा तुम बोलोगे कि हाँ भाई प्रेजेंटेशन ऐसी बना लो, खुद की प्रेजेंटेशन ऐसी है, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, ये तो फाइन ट्यून एलिमेंट्स हैं, लेकिन फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो सब कुछ विल फॉलो इन प्लेस। लाइक फाउंडेशन आर मैटर द मोस्ट, डेफिनेटली। या सो लाइक जैसे आपने भी डिग्री अलग करी थी, सो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि एक सेल्स प्रोफेशनल के अंदर होनी चाहिए और जो भी लाइक कॉलेज स्टूडेंट है वो चाहता हो कि सेल्स प्रोफेशनल बनना चाहता है वो, तो उसको क्या स्किल्स सीखनी चाहिए? तीन चीजें चाहिए तुषार, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। पहला कम्युनिकेशन, दूसरा रेंज ऑफ ऑडियंस के साथ कनेक्शन बिल्ड करना। यहाँ पर एक इंटरप्ट करना चाहूंगा, कम्युनिकेशन में भी हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज का भी इंपॉर्टेंस होता है क्या? ये फर्क नहीं पड़ता यार, मैं तो बल्कि ये बोलती हूँ, अब देखो हमारा जहाँ हम कॉलेज में पढ़ते हैं ना, जो हमारा स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम है और जो दुनिया में असलियत में होता है उसमें बहुत फर्क है। स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम में अपने को कौन ज़्यादा नंबर लेके जाता है? जो एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को याद करे और रट के लिख दे, हाँ, वो आएगा फर्स्ट। रियल मार्केट में क्या होता है कि जो इंसान एक प्रॉब्लम को जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई करके समझा सकेगा वो बनेगा लीडर, राइट? तो अब तुम ये समझो कि हम जिस एजुकेशन सिस्टम से आ रहे हैं वहाँ पे सबकॉन्शियसली वी डोंट इवन रियलाइज वी आर ट्रेन्ड टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, वी आर ट्रेन्ड टू कॉम्प्लिकेट कॉन्वर्जेशन। और जितना तुमको अगर तुमको वाकई सेल्स की सक्सेस पे जाना, यू वांट टू रीच द पिनकल, यू नीड टू बिल्ड द आर्ट ऑफ सिंप्लीफाइंग थिंग्स फॉर योर टीम्स, फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर वेंडर्स, फॉर योर कस्टमर्स, एवरीबॉडी। तो मेरे हिसाब से लैंग्वेज का तो कोई बैरियर है ही नहीं। जो भी फ्रेंड्स इस समय मुझे सुन रहे हैं, कभी भी बड़े बड़े वर्ड्स, फैंसी जार्गन, कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट प्रोजेक्ट योर सेल्फ इन अ वे कि लोगों को लगे ये बंदा आर्टिफिशियल है, इसके साथ कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। डोंट डू दीज थिंग्स ऑन योर ओन, दीज आर डेट्रीमेंटल थिंग्स। ओके, करियर में गड़बड़ हो सकती है, तो अपने को रहना है नेचुरल। इंडिया में आई थिंक जिस मार्केट में तुम ऑपरेट कर रहे हो उसमें अगर लोग इंग्लिश ऑफकोर्स तुमको थोड़ा सा फिनेस देती है, लेकिन दैट डज नॉट डिफाइन योर कनेक्शन विद योर ऑडियंस। मेरे हिसाब से लैंग्वेज का तो कोई बैरियर होना ही नहीं चाहिए, सेल्स में तो नहीं है, अनलेस एंड अनटिल तुम कोई यूएस क्लाइंट को प्रेजेंट कर रहे हो, कोरियन क्लाइंट को प्रेजेंट कर रहे हो, उसमें तो नॉर्मली फिर अलग। या सो बेसिकली आप तीन स्किल्स बता रहे थे, मैंने इंटरप्ट कर दिया आपको। मैं क्या, हाँ तो मैं तीन स्किल्स बता रही थी, तो तीन ही स्किल्स है तुषार, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। पहली बात तो तुम्हारा कम्युनिकेशन पावर, दूसरा योर एबिलिटी टू बिल्ड कनेक्शन, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है टू हैव पेशेंस। पेशेंस आई थिंक इज द की। Okay. और इसमें जो हमारे जो यंग वाली जनरेशन है ना, बिकॉज आई हैव ऑल्सो यू नो देयर वाज अ पॉइंट आई हैव कम थ्रू द जर्नी, उस जनरेशन में ना द पॉइंट इज उस वाले पॉइंट पे ना समथिंग मतलब अपने इंडिया में क्या है कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और हमको लगता है कि यार इतना टैलेंट है, मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सो कर दूंगा, वो 20-22 की एज भी ऐसी होती है कि तुमको लगता है विल टर्न अराउंड द वर्ल्ड. बट वाई डू मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू टर्न अराउंड द वर्ल्ड इज बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट टैलेंट, इट इज़ अबाउट परसिस्टेंस. एक ही काम को बिना बोर हुए लगातार तुम जितने साल खींच सकते हो उतना तुम्हारा मार्केट में ग्रिप बढ़ेगा, उतना तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा. तो ये चीज़ है जो टैलेंट अच्छी बात है, लेकिन कंसिस्टेंसी उससे भी बड़ी बात है. या ग्रेट. सो बेसिकली अगर आप कुछ टिप्स देना चाहो कि मुझे कोई भी प्रोडक्ट है, लाइक आई हैव ऑल्सो डन लाइक स्टार्टअप, तो जस्ट इमेजिन कि मुझे उसकी सेल्स को बढ़ानी है, उसके सेल्स को स्केल अप करना है, और कैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जाए किसी भी प्रोडक्ट. अगर स्केल अप के हिसाब से पूछ रहे हो ना तुषार, देन मोर देन अलोंग विद द प्रोडक्ट व्हाट आल्सो मैटर्स इज द काइंड ऑफ पीपल यू आर हायरिंग. ये एनर्जी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है जिसका प्रोडक्ट है ना, उसके लिए तो उसका बच्चा है यार, उसकी जान है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं दिन में 10 घंटे काम कर रहा हूँ, 12 घंटे काम कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए. बट फॉर योर टीम मेंबर्स इट्स अ जॉब. They want to go back home in 8 hours. They want to have their Saturday, Sunday off. They want to have. So as a leader, if you truly want to scale up your sales function, तो तुम्हारा काम है वो अंदर fire in the belly कहते हैं ना जिसे, तुम्हारा काम है वो fire in the belly जगाना in rest of the team members. Because see, as a human being, I have a limitation in terms of generating ideas. But when you are working with like-minded people, it is इसको बोलते हैं power of compounding. Yeah. तो जब 2 दिमाग साथ आए, the power is not 1 plus 1 2, the power is 2 plus 2 4. You know, it goes to the power 2 raised to the power 2, 4 की power हो गई. So suddenly if you can keep your team members together, if you can align them to the vision, product strategy तो कई बन जाएंगी. But that alignment I think is very important. Yeah. So next question ये है कि basically बहुत सारे sales professional आ चुके हैं, जैसे आपने बोला कि competition बहुत है, तो market में stand out कैसे किया जाए कि ये भी अच्छा सेल्स कर लेता है, ये भी अच्छा सेल्स कर लेता है, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इन दोनों से अच्छी सेल्स करूं? दो चीज़ें हैं, एक होता है कि ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली और एक होता है ग्रोइंग वर्टिकली. ओके, हॉरिजॉन्टली का मतलब है कि मुझे सेल्स बहुत आती है, मेरे को प्राइसिंग भी पता है, मुझे प्रोडक्ट भी पता है, मुझे प्रमोशन भी पता है, मुझे ऑफलाइन भी पता, मुझे ऑनलाइन भी पता, मुझे डिजिटल भी पता, मुझे ये भी पता है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल. ओके, वर्टिकल इज कि जितना तुम उसके डेप्थ में जाओगे ना, दैट इज़ वेयर यू कार्व अ नीश फॉर योरसेल्फ. नीश को क्या बोलते हैं? तो जैसे अगर मान लो मैं प्राइसिंग में चैंपियन हूँ, प्राइसिंग में भी मैं एमएसएमई में प्राइसिंग की चैंपियन हूँ, उसमें भी आई एम टिपिकली वर्किंग फॉर अ प्रोडक्ट विच इज सेंटर्ड अराउंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में भी फ्रॉम द एज ऑफ 3 to 7 years. जितना डेप्थ में जाओगे उतना ज़्यादा अपने लिए विजिबिलिटी क्रिएट कर पाओगे. या सो बेसिकली नीश का मतलब है लाइक द एरिया ऑफ एक्सपर्टीज. निश का मतलब है कि हाँ, उस पॉइंट तक पहुंचना जहाँ मुझे समझ आ जाए कि भाई अगर ये काम तुषार नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर सकता. वो एक पूरी जर्नी को आइडेंटिफाई. ठीक है. सो कुछ ऐसे सेल्स के ग्रोथ हैक्स जो आपके लिए यहाँ पर वर्क करें. आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैकिंग योर नंबर्स, टू हैव अ CRM सिस्टम इन प्लेस बहुत ज़रूरी है. दूसरा, टू हैव अ डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ यू नो जो तुम अपनी टीम के साथ ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि अभी इस मॉर्निंग में क्या हुआ. तीसरा, टू कॉन्स्टेंटली कीप एन आई, क्योंकि अगर हम इम्पैक्ट बिल्ड कर रहे हैं फ्रॉम सोशल मीडिया तो डिजिटल स्पेस में क्या ग्रोथ हो रही है, व्हाट आर द न्यू टूल्स दैट आर देयर. जैसे भी इंस्टाग्राम में नया टूल लॉन्च किया इन टर्म्स ऑफ यू नो सेंडिंग आउट योर DM ब्लास्ट एंड ऑल, तो क्या चल रहा है मार्केट में उसके बारे में समझना ज़रूरी है. सो कॉन्स्टेंटली, मतलब ऐसा नहीं है कि हर रोज एक नई स्ट्रैटेजी डालनी है, लेकिन अगर ग्रेजुअली भी मान लो अगर हम हफ्ते में 2 नई स्ट्रैटेजी भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो व्हाट इज़ द प्लान फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ दैट स्ट्रैटेजी. सी पर्सनली इफ यू आस्क मी, निधि तेरे लिए क्या काम करता है, मेरे लिए माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज़ माई टीम. My second biggest strength is the way I am getting more familiar with technology, and the third I would say the ultimate thing which has helped me over years and years is tracking my numbers. मेरे लिए 3 चीजें करनी हैं. Got it. So ऐसा कोई आपका experience like जो कि sales related हो, like your best experience sales का. Best तो मुझे ध्यान नहीं तो शायद, लेकिन मैं तुमको एक worst experience मुझे जो ध्यान आ रहा है off the hook. Yeah. हाँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे ये ध्यान आ रहा है कि जब मैंने अपने कॉर्पोरेट जॉब से जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रांजिट लिया ना, तो उस समय मुझे लगता था कि यार मुझे सब कुछ आता है, आई नो द मार्केट, आई कम फ्रॉम अ ब्रांड, मेरा इतना नेटवर्क, मेरा ये मेरा सो, मैं तो मार्केट में उतरूँगी मतलब तबाही मच जाएगी, ऐसा लगता था. बट वॉट हैपेंड इज़ दैट व्हेन यू सेपरेट आउट फ्रॉम अ ब्रांड, द जर्नी इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी. तो मेरी जर्नी में मतलब ऐसा था कि बाहर की दुनिया को लग रहा था कि अरे यार निधि इज़ लिविंग हर ड्रीम, शी वांटेड टू लीव अ जॉब एंड शी वांटेड टू स्टार्ट हर बिजनेस एंड शी इज़ लिविंग दैट ड्रीम। बट ऑनेस्टली हो क्या रहा था कि मैं अंदर से जानती हूँ कि मैं डे बाय डे ब्लीड कर रही थी। जब मैं जॉब में थी मुझे लगता था सैलरी कम है, बॉस बेकार, इंसेंटिव कम, वो सब चलता था। और जब मैं इधर आई तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आफ्टर पेइंग माई टीम्स, माई ओवरहेड्स, मेरे टैक्सेस, मेरी जेब में कुछ पैसा नहीं बच रहा था। सो वंस इट सो हैपन दैट आई वॉज फॉलोइंग अप वेरी क्लोजली विद अ क्लाइंट और उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब आई थिंक इट वॉज माई 5th और 6th विजिट टू हिम क्योंकि मैं उनसे इन पर्सन जाके फॉलोअप कर रही थी। एंड आई सेड दैट यू नो इफ यू गिव मी अ क्लियर आंसर इफ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट गोइंग अहेड विद दिस प्रोजेक्ट और नॉट। सो ही सेड निधि इफ यू आर एबल टू आंसर माई क्वेश्चन आई विल गो अहेड विद यू। हाउ डू आई ट्रस्ट समबडी हु इज स्ट्रगलिंग विद हर ओन सेल्स? एंड दैट डे वॉज एन आई ओपनर फॉर मी तुषार। तब मुझे लगा कि यार ये टाइम आ गया कि मुझे अब अपने आप को री एजुकेट करना पड़ेगा, राइट? सो बेस्ट तो नहीं पता लेकिन दैट वाज वन ऑफ द आई ओपनिंग एक्सपीरियंसेस कि अगर सेल्स में आ गए तो इसका मतलब ये नहीं, जैसे टेक्नोलॉजी एक स्पेस है ना जहाँ कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहना है, उसी तरह सेल्स भी एक स्पेस है क्योंकि मार्केट बहुत स्विफ्टली चेंज होती है, हमें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। ऑलवेज कीप एन आई ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड क्योंकि वहाँ का इन्फ्लुएंस इंडिया में पहुँचता ही पहुँचता है सूनर और लेटर। तो अपनी आँखें खुली रखो, एक्सपीरियंस देखो एंड द मोर यू आर एबल टू प्रूव योर सेल्फ इन द जर्नी उतना रेवेन्यू और कॉन्फिडेंस दोनों चीज़ आएगी। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली मेरे को भी इससे एक चीज़ मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। मेरे भी जब इतने सब्सक्राइबर्स नहीं थे यूट्यूब पे तो मैं एज अ फ्रीलांसर किसी के पास गया था, क्लाइंट के पास, और मैंने बोला कि मैं आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ा दूंगा, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, और उन्होंने बोला कि आपके कितने हैं? आपने क्या करा है? आपने किसी या अगर आपने आपके खुद के नहीं बढ़ाए या फिर किसी और के करे हैं, ऐसा कुछ काम करा है? तो वहां पर फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सो फिर मैंने कहा चलो पहले अभी अपना करते हैं पहले एंड फिर अपना स्टार्टअप लॉन्च करते हैं। तो फिर बाद में मैंने अपना स्टार्टअप लॉन्च किया और उसमें जब दोबारा मैंने स्टार्टअप लॉन्च किया तो विद इन 4 days वी क्रैक्ड आवर फर्स्ट क्लाइंट। सो आई कैन रिलेट दैट कि हो सकता है ये चीज एक्सपीरियंसेस। सो फटाफट से अब नए एक रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और 10 सेकेंड्स का टाइम होगा आपके पास और इसमें से आप 2 ऑप्शंस होंगे और एक चूज करना होगा, ठीक है? बी इजी ऑन मी। या बी इजी है। सो बेसिकली एक फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट है, सो उसके पास 2 ऑप्शन है, स्टार्टअप वर्सेस बिग एमएनसी, क्या चूज करा? बिग एमएनसी। टाइम और मनी? टाइम। फेम और मनी? Fame. Suppose if you got a chance to sell something, ठीक है? So 2 ऑप्शन है आपके पास, it would be digital product or it would be a physical product. तो आप कौन सा चूज करोगे? If I am given the choice, physical product. Physical product. कोई भी यहाँ पर बुक पढ़ना चाहता है और कुछ जने पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ जने ऑडियो बुक सुनना, लाइक मैं मेरा बताऊँ तो मेरे को ऑडियो बुक ज्यादा पढ़ना मतलब सही लगता है, मेरे को बुक्स पढ़ना पसंद है। बट फिजिकल बुक वर्सेस ऑडियो बुक, अगर वो सेल्स की बुक है तो फिजिकल बुक एनी डे। या एनी डे, ठीक है। सो अभी क्योंकि लाइक कोरोना आ गया है और काफी सारी जो सेल्स पिच होती है, एक होता है कि हम इन पर्सन जाके सेल्स पिच दे रहे हैं और एक हो रहा है कि आप जूम पे पिच हो रही है। So what is better, online, offline? देखो online is something which you cannot deny now, उसको मना नहीं कर सकते, it is you don't have a choice anymore, so online तो आना ही पड़ेगा। Yeah, so suppose आपके पास एक choice है कि online भी option है और offline भी है, तब आप क्या choose करोगे? पहली choice offline। पहली choice offline, okay, great। So ठीक है, अब last हमारी एक advice जो कि आप college students को देना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे मतलब आई थिंक आई गेव द एडवाइस अर्लियर ऑल्सो इन योर शो कि टैलेंट सबके पास है यार, दुनिया भरी पड़ी है। इंडिया इज़ अ मार्केट विच इज़ फुल ऑफ टैलेंट। तुम चाहे डांस उठा लो, म्यूज़िक उठा लो, टेक्नोलॉजी उठा लो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और शायद यही रीज़न है कि इंडिया वालों को कहीं भी दुनिया में डाल दो वो हर जगह फिट हो जाते हैं। तो अपना सर्वाइवल, अपना थ्रेशहोल्ड बहुत हाई है, एट द सेम टाइम अपना टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू बी द मार्केट लीडर्स बिकॉज वी लैक फोकस एंड कंसिस्टेंसी। तो पहली बात तो सही लोगों के साथ जुड़ो। तुम जो हो इट इज़ डिफाइंड बाय 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद। तो तुम्हारे सर्कल में कौन से लोग हैं जिनके साथ उठना बैठना है, क्या बातें हो रही हैं, क्या एस्पिरेशंस है, ड्रीम है, उसको बहुत ध्यान से देखो। और सेकेंडली तुम्हारा जो लाइफ टाइम है ना, द अदर डे आई वाज रीडिंग अ बुक, इट इज़ कॉल्ड 4000 वीक्स, यानी कि अगर एवरेज इंसान की उम्र 80 साल है तो हम सबके पास सिर्फ 4000 हफ्ते हैं टू लिव आवर कंप्लीट जर्नी। तो इन 4000 हफ्तों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो इन टर्म्स ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव। कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे अब लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हैं, काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ हैबिट्स, इन टर्म्स ऑफ हाउ वी स्पेंड आवर टाइम, और इन डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। तुमने भी कोशिश करी होगी, एलिमिनेट नहीं होती हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम मैनेज करना सीखो, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मॉडरेट लेवल पर करोगे तो सही रहेगा। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स, स्टे फोकस्ड, लर्न टू मैनेज योर डिस्ट्रैक्शंस इफ यू कांट एलिमिनेट देम, एंड स्टे कंसिस्टेंट गाइज इन योर जर्नी, दैट्स गोइंग टू टेक यू अ लॉन्ग वे। ठीक है, आई एम ग्लैड दैट यू जॉइन द पॉडकास्ट और अब इसको रैप अप करते हैं। एंड थैंक यू सो मच निधि फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू तुषार फॉर हैविंग मी ओवर। काफी कॉलेज स्टूडेंट्स को मजा आ जाएगा इस पॉडकास्ट को देने का, और समझ आया कि सेल्स भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ओके बाय, सो बाय बाय।